मित्रों, कविता मंजरी श्रृंखला में आपका स्वागत है। कार्यक्रम की इस श्रृंखला में हम आपके लिए लाए हैं हिंदी के छायावादी कवियों की रचनाएं। इस क्रम में आइए सुनते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता पर्वत प्रदेश में पावस। लेकिन कविता सुनने से पहले आइए जानें सुमित्रा नंदन पंत के बारे में। प्रकृति प्रेमी कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा के प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर कौसानी में सन 1900 में हुआ। कविता लिखने की प्रेरणा पंत जी को सर्वप्रथम प्रकृति से ही मिली। लगभग 6-7 वर्ष की आयु से ही पंत जी ने लिखना आरंभ किया। उन्हीं के शब्दों में, कविता का अर्थ संगीत था और इस संगीत के लालच से ही अपनी तुष्टि के लिए कविताएं अथवा तुकबंदियां करने लगा था। उन दिनों मानस में प्रकृति सौंदर्य और काव्य संगीत दिन भर छाया रहता था। उसी आवेश में मैंने अवश्य कविता लिखी होगी। ठीक से लिखने का प्रयत्न मैंने अल्मोड़ा आने पर लगभग 13वां वर्ष पूरा होने पर किया होगा। मित्रों, सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख काव्य कृतियां हैं वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकाम और रश्मिबंध आदि। सुमित्रा नंदन पंत को उनकी कविताओं के लिए अनेक पुरस्कारों जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1977 में इस प्रकृति सौंदर्य प्रेमी कवि का निधन हुआ। तो आइए सुनते हैं रश्मिबंध से उनकी कविता पर्वत प्रदेश में पावस। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल, गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चा कांक्षाओं से तरुवर हैं, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेश अटल कुछ चिंता पर, उड़ गया अचानक लो भूधर फड़का अपार पारद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यों जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में पंत जी ने पर्वतीय वातावरण का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, जिसके द्वारा श्रोता और पाठक मानसिक रूप से पर्वतों के सुंदर दृश्यों का अनुभव कर सके। पहाड़ों के सौंदर्य की छटा अनोखी और रोमांचकारी दिखाई देती है, जो सदैव मन को मोह लेती है। मित्रों, हम पिकनिक के लिए पर्वतों, वनों, मैदानी क्षेत्रों में जाते रहते हैं। आपने भी कभी ना कभी पहाड़ों का भ्रमण किया होगा, तो आप भी अपने शब्दों में सुनाइए या बनाइए ना कोई अच्छी सी कविता।